जी स्टूडेंट्स स्क्रीन शेयर है सबसे यस मैम ओके चलें जी हम स्टार्ट कर रहे हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग डाइट फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो कि हम परफॉर्म करते हैं अपने क्लाइंट के लिए यहाँ हमें टास्क वाइज बी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट वाइज भी टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं या फिर परमानेंट क्लाइंट के लिए भी ये टास्क परफॉर्म करना पड़ता है और अनिशिएशन जो है ना वो बेसिकली कहाँ से होती है प्रोडक्ट हंटिंग से अभी प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था काफी चीजें जो है हम क्लियर कर चुके थे हम जस्ट आइडियाज जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज कहाँ से आते हैं और कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था और तकरीबन कोई पाँच से छे जो है वो रह गए थे बाकी हम कवर कर गए थे मैंने इसलिए कहा था कि पिछला लेक्चर रिकॉल कीजिएगा क्योंकि डेफिनेटली uh, हम बेसिक से मूव uh, ऑन हुए हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ इन हम जाएंगे और जब बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आइडिया नहीं होंगी तो आगे जाके ये प्रॉब्लम का प्रॉब्लम बनेगी आपके लिए सो so, uh, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जी uh, मैंने आपको जो पिछले लेक्चर में बताया था ना वो मैंने आपको ये आइडिया दिया था कि प्रोडक्ट के आइडियाज कहाँ से जब तक हमारे माइंड में आइडिया नहीं आएगा हम क, कैसे जो है एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं सो फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग का पहला जो स्टेप uh, है स्टेप नंबर वन जिसको कह सकते हैं वो है हमें प्रोडक्ट आएडिया के आइडियाज जो है वो आइडिया uh, uh, होना चाहिए अगर हम बात करें प्रोडक्ट के आइडियाज की तो वो कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने कल के लेक्चर में जो कि प्रीवियस लेक्चर था हमारा मैंने वो आपको आइडिया दिया था कि प्रोडक्ट हंटिंग के, के आइडियाज जो हैं वो हम लेते हैं माइनस ट्रिंग मेथड से बेस्ट सेलर से और न्यू uh, रिलीजिस से ये देखें बेस्ट सेलर से भी मैंने बताया आपको देन हमने कहा कि कोई भी अमेजोन पे कोई भी स्पेशल uh, डे हो ना जिन दि, डेज में सेल बहुत हाई हुई होती है लाइक नाव डेज जो है अमेजोन पे uh, ये फ्राइडे डे डील्स जो है ना ब्लैक फ्राइडे डीज ये चल रही है और ये कुछ स्पेसिफिक जिस तरह हम, हम कहते हैं ना हमारे त्योहार होते हैं इसी तरह अमेजोन पे भी कुछ ऐसे डेज होते हैं या ऐसे फिक्स यानी कि सीजन आ जाते हैं या कुछ डेज स्पेशल आ जाते हैं जिनमें सेल्स बहुत आई हुत, हुई होती हैं सो so, हम उस उस जो बॉक्स होगा उस उसपे भी क्लिक करके स्पेशल डेज में भी जाके हम देख सकते हैं कि इन डेज में प्रोडक्ट्स कौन सी पीक पे हैं उनकी किन की सेल्स ज्यादा है और बेसिकली यहाँ से भी हम प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं अगर हम बात करें मैंने बेस्ट सेलर से भी आपको आइडिया दिया कि बेस्ट सेलर से हम किस तरह से प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अलावा मैंने माइनस स्ट्रिंग मेथड भी मैं कल का लेक्चर रिकॉल करने जा रही हूँ जी माइनस स्ट्रिंग मेथड भी मैंने आपको क्लियर कट बताया कि माइनस एड करते हुए अल्फाबेटिकली एड मिनिमम एट लेटर्स जो है ना वो आपने एंटर करने हैं एंड देन एंटर पर जब प्रेस करेंगे तो नीचे जो प्रोडक्ट के फाइंड आउट होंगी वो होंगे प्रोडक्ट के इन एक्चुअल आइडियाज ठीक है है प्रोडक्ट के आइडियाज होंगे अभी इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मैंने इसके बाद आपको और भी दो तीन टैक्टिक्स बताया कि हम प्रोडक्ट के आइडियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी देखिएगा प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज को फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली अः मिसाल के तौर पर मैंने uh, लिखा टाइप किया गूगल के थ्रू भी आप प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरह आपने राइट किया डी आई वाई टूल्स ठीक है डी आई वाई टूल अगर लेट्स uh, इतने मैंने कैटेगरीज आपको बताई थी ना कि होम एंड किचन है किचन एंड डाइनिंग एंड टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट एंड डी आई वाई टूल्स एंड इसके बाद मैंने uh, मतलब एक वो वो मैंने आपके साथ क्लियर कट लिस्ट जो है कैटेगरीज की वो मैंने एक्सप्लेन की थी आपके साथ ना तो वो बेसिकली मैंने कहा था वो शॉर्ट लिस्ट कैटेगरीज हैं जिनमें हम जा सकते हैं या रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं जिनमें हम जा सकते हैं अभी ये देखिएगा मैंने ना कोई भी आप कैटेगरी राइट कर सकते हैं मैंने लिखा डी आई वाइट टूल लिस्ट ठीक है और नीचे ये देखिएगा आप के मोर uh, आइटम्स पे जब हम जाएंगे तो ये देखिए कितने ज्यादा हमारे पास आइडियाज जो है ना डीआई टूल्स से रेलिवेंट हमारे पास ना आइडियाज आ सकते हैं अभी ये देखिएगा इस तरह के जो है ना उन्होंने साथ नेम भी मेंशन किया हुआ है हम नेम को कॉपी करेंगे यहां से और यहाँ पे आके एमेजोन पे जाके यहाँ पे पेस्ट करके तो हम आ, एंटर पे प्रेस करेंगे ना तो नीचे उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट तमाम सेलर आ जाएंगे मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने कुकीज़ कटर राइड किया हुआ है और कुकीज कटर राइट करते हुए नीचे देखिये ये तमाम सेलर्स कौन से हैं कुकीज कटर को सेल आउट करने वाले हैं इसी तरह अगर मैं उस प्रोडक्ट को लेके इधर आती हूँ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया या टाइप भी कर सकती हूँ तो एंटर पर प्रेस करते हुए नीचे तमाम जो प्रोडक्ट्स आएंगे ना वो प्रोडक्ट्स उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे पता चलेगा जी ये कुकीज कटर को सेल आउट करने वाले ये देखिए आपको ये सामने नजर भी आ रहा है कि कुकीज कटर को सेल आउट करने वाले दो सेलर यहाँ पे बैठे हैं जिनमें से वन से फोर्टी एट तक जो सेलर्स हैं वो फर्स्ट पेज पे हैं ये देखें लास्ट uh, पे हम जाते हैं तो हमें पता चलेगा जी सिर्फ फर्स्ट सेल फर्स्ट पेज पे उन्होंने कहा है कि से 48, 48 तक ऑनवर्ड सेवन पेजेस हैं ठीक है और ये 2000 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं और इसके अलावा जो बेसिकली uh, क्या है कि मेरा बताने बताने का मकसद ये है कि हमने क्या किया कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट के आइडियाज हमें कैसे आइडिया होंगे मैं वो बताना चाह रही हूँ अगर मुझे पता चला टेप मैयर जो है ये प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट है मतलब यहाँ से मुझे पता चला एंड देन ऑनवर्ड मैंने इसी को कॉपी करके अमेजोन के uh, सर्च बार में जाके पेस्ट करूंगी आपने ये नहीं भूलना मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ कि डिलीवर टू यहाँ पे पोजीशन किस तरह हम चेंज करते हैं ठीक है यहाँ पे पोजिशन चेंज करते हुए लाइक हम यूके में काम करना चाह रहे हैं तो यूके का पोस्टल कोड एंटर करना है और किस तरह से एंटर करना है? मैंने कंप्लीट बताया था आपको आपने एंटर करते हुए आपने ये ध्यान रखना है काइंडली आपने इस चीज को भूलना नहीं है कि जिस भी मार्केट प्लेस में या क्लाइंट जिस मार्केट प्लेस का होगा डेफिनेटली हमने प्रोडक्ट भी वही एंटर करनी है तो आपने उसी मार्केट प्लेस का पोस्टल कोड एंटर करते हुए आगे मूव ऑन करना है ये ना हो कि आप यहाँ से खप के रह जाए प्रोडक्ट फाइंड आउट की यहाँ पे आगे पेस्ट किया और देन ऑनवर्ड क्राइटेरिया मैच करते रहे ये पता ही ना हो कि हमने ये जो पोजिशन है ये चेंज की नहीं है तो ये देखें फिर आपकी तमाम जो स्ट्रगल है वो छोटी सी आ, आ, जो है नेग्लिजेंसी दिखाने से आपकी तमाम फ्लॉप हो जाएगी मेहनत ठीक है तो इन छोटी छोटी जो टिप्स मैं बताती रहती हूँ ये चीजें बताती रहती हूँ इनको बॉर्डर करना आपने नेक्स्ट ऑनवर्ड अगर हम मूव करें तो ये देखें प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज में आपके साथ शेयर कर रही थी ना तो वो यही है कि बेसिकली ये देखें ये ड्राइवर्स uh, इसके अलावा ये तमाम जो है ना नीचे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट के आइडियाज फाइंड आउट होंगे और सिर्फ एक कैटेगरी से आपने मल्टीपल कैटेगरी कैटेगरीज को यहाँ पे टाइप करना है एंड देन ऑनवर्ड आप क्या करेंगे कि बेसिकली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट uh, के आइडियाज जो है मल्टी मल्टीपल कैटेगरीज में आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे अगर होम होमेन होमेन किचन किचन एंड डाइनिंग आप राइट कर लेते तो देन लिस्ट एंड एंटर प्रेस करते तो होम होमेन किचन से रेलिवेंट तमाम प्रोडक्ट्स आनी थी अब ये टूल्स है ना टूल्स वही वगैरह होते हैं हैं तो ये आ, कटर, ये आ, ये ये कटर यानी जो भी आ रहे है ना स्क्रू इससे रेलिवेंट है अगर हम यहाँ पे होम एन किचन या किचन एंड डाइनिंग या टूल्स या फिर उसके अलावा बहुत ज्यादा कैटेगरी रिकमेंडेड आप कोई भी कैटेगरी राइट करके तो आप लिस्ट आपने लिस्ट प्रोडक्ट की फाइंड आउट करने के लिए जब देखा तो ये देखें नीचे आपके पास ये देखें नीचे जो लिंक आ रही है ये भी इन एक्चुअल क्या है ये प्रोडक्ट के आइडियाज है देखिये प्रोडक्ट के आइडियाज बहुत ज्यादा है ये मैं जितना भी कवर कर रही हूँ ना पिछले लेक्चर से ऑनवर्ड अभी तक ये सिर्फ प्रोडक्ट के आइडियाज हैं प्रोडक्ट के आइडियाज बहुत ज्यादा हैं जस्ट आपने उस पर एफर्ट करनी होती है कि हमें कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाए ठीक है मिसाल के तौर पे ये स्क्रू ड्राइवर्स है ना ये कीवर्ड है मैं इसको कॉपी यहाँ से किया यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूंगी तो ये ये कुकीज कटर क्या है ये कीवर्ड है ठीक है और key, की अमेजोन में सिर्फ कीवर्ड की गेम है अगर कीवर्ड अच्छा मिल गया तो देन डेफिनेटली आप वो एक विनिंग कीवर्ड होगा आपके लिए और उस कीवर्ड की बेस पे आप एमेजोन पे जिसको कहते हैं विन कर सकते हैं ठीक है और डेफिनेटली कीवर्ड uh, अच्छा होगा तो उसके एज अ रिजल्ट कीवर्ड अच्छा मुर, से मुराद ये है कि तमाम क्राइटेरिया मैच कर गया देन वो विनिंग प्रोडक्ट है और विनिंग कीवर्ड है या विनिंग प्रोडक्ट है तो इट्स मीन अमेजोन पे जब हम लॉन्च करेंगे क्लाइंट के लिए या अपने लिए तो देन डेफिनेटली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अमेजोन पे जाने का मकसद हमारा क्या है कि बेसिकली एक्चुअल बिहाइंड इसके रीजन ये होती है कि हमने रेवेन्यू लेना होता है ठीक है हमें अच्छी खासा प्रॉफिट आए तो बेसिकली इसका फायदा ही होता है अच्छा अब नेक्स्ट ऑनवर्ड मैं मूव करती हूँ मैंने आपको बताया कि आपने गूगल के थ्रू किस तरह की के आइडियाज फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट ऑनवर्ड आ जाते हैं जी Pinterest आपने से जो है ना वो बेसिकली आपने इस पे अकाउंट तो लॉग इन कर लेना है मैंने अभी नहीं किया हुआ देन आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेटली uh, आप बेसिक से ऑनवर्ड uh, मूव कर रहे हैं जब मैं प्रैक्टिस करती थी देन मैंने आ, इस पे uh, किया हुआ था और अभी भी स्टिल मेरा दूसरे अकाउंट से लॉग इन है जस्ट आपने क्या करना है कि इस पे इस पे इस बेसिकली हम क्यों आए हैं प्रोडक्ट के आइडियाज को फाइंड आउट करने आपने क्या करना है कि ये देखिए किचन प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है ना आप यहाँ पे सर्च uh, बार में टाइप भी कर सकते हैं कोई भी कैटेगरी ठीक है उस कैटेगरी से रेलिवेंट आपके पास ना सब कैटेगरीज आ जानी है ये देखें किचन गैजेट्स आ गए किचन टूल्स आ हैं किचन ये गैजेट्स आ गए हैं स्मॉल अप्लायसेज आ गए हैं किचन से रेलिवेंट सिमिलर तमाम आइडियाज आपके पास हैं अगर मैं किचन टूल्स पे क्लिक करती हूँ ना तो मल्टीपल टूल्स जो किचन में पड़े होते हैं छोटे से छोटा जो है तमाम टूल्स जो है ना वो हमें बता देगा देन हमें इसका फायदा बेसिकली क्या है कि बेसिकली हमें की वर्ड ये प्रोडक्ट हंटिंग में प्रोडक्ट्स के आइडियाज हमें आ रहे हैं ठीक है माइंड में और कहाँ से आ रहे हैं ये आपके सामने है अभी इस तरह ये देखें नीचे ये तमाम क्या है प्रोडक्ट के आइडियाज हैं अभी मैंने अकाउंट नहीं साइन इन किया हुआ आप कर लीजिएगा प्रिंट्रस्ट पे एंड देन हम मूव ऑन करते हैं आ, अली बाबा अब अली बाबा डॉट कॉम जो कि चाइना में बहुत फेमस वेबसाइट है और इसके थ्रू जो है ना वो सैलर्स यहाँ पे बैठे होते हैं हमने सोर्सिंग जो सेकेंड स्टेप पे मूव ऑन होना है वो इसके थ्रू हमने करनी है और हम यहाँ पे प्रोडक्ट के आइडियाज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये देखिए देखिये ऑल कैटेगरीज यहाँ पे राइट राइट किया हुआ है आपने ऑल कैटेगरीज में uh, आके तो देन स्क्रोल करते हुए यहाँ पे आ जाना है एंड देन आपने अपनी मर्जी से कोई भी कैटेगरी जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है लाइक टूल्स एंड हार्डवेयर अगर मैं लेट्स के यहाँ पे राइट करती हूँ या फिर कोई भी कैटेगरी आपको जो अच्छी लगे होम एंड गार्डन पे चले जाते हैं जी और होम एंड किचन एंड होम एंड गार्डन जो है ना वो उस उसपे अच्छी खासी जो है ना वो प्रोडक्ट्स अच्छी से अच्छी मिल जाती हैं अच्छा अब ये देखिएगा नीचे ये देखिए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सप्लायर जो चाइनीज में बैठे हैं वो ये प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं आपने किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक किया उस पे उ, उ, उसका कीवर्ड जो है वो उसका प्रोडक्ट का कीवर्ड कॉपी किया एंड देन आपने सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट करना है जहां से भी आपने प्रोडक्ट देखी है ना उस प्रोडक्ट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके एंड देन आपने आ, सर्च पे क्लिक करके नीचे देखना है कि कितने सैलर हैं और उन उस प्रोडक्ट को फर्दर किस तरह एनालाइज करना है किस तरह हमने क्राइटेरिया पे मैच करना है, वह हम क्लास में देखेंगे आवाम होती है या बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं पहले उनके प्रोडक्ट हंडिंग स्टार्ट करने से पहले कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रोडक्ट के आइडियाज कैसे आएंगे हमारा तो माइंड मतलब इतना शॉप नहीं है या हम हम हमारे माइंड में इतने ज्यादा आइडियाज आइडियाज नहीं आते तो को कलेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ तक सात से आठ आइडियाज आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अभी नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने अली uh, की भी बात कर ली कि ये वो वेबसाइट है जहाँ से हमने सोर्सिंग करवानी होती है चाइनीज सप्लायर यहाँ पे बैठे होते हैं ये चाइना में वेबसाइट है और बहुत फेमस वेबसाइट है और इसको रिकमेंड हम क्यों करते हैं सब सोर्सिंग के लिए इनशाला वो सोर्सिंग वाले लेक्चर में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगी इसके बारे में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो लेट्स सी के इस पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपने यहाँ पे साइन इन करना होता है साइन इन पे यानी यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है ठीक है मैंने दूसरी मेरा अकाउंट है मैंने उससे लॉग इन किया हुआ है ऑलरेडी और मेरा अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा होता है अच्छा अभी ये यह देखिएगा यहाँ पे यानी कि आपने फिर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो साथ प्राइजेज एंड साथ की तमाम चीजें आपको वगैरह नजर आ रहे होंगे आपने जस्ट कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने उसका कीवर्ड को कॉपी करना ठीक है और कीवर्ड को कॉपी करके सेम uh, प्रोसेस आपने यहाँ पे पेज करके नीचे आपने प्रोडक्ट्स uh, ओपन हो जानी है उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट तमाम सेलर की प्रोडक्ट्स ओपन हो जानी है अब जब हम आते हैं ना यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स जब आती हैं तो देन हमने आगे आता है प्रोसेस टूल्स का प्रोडक्ट के आइडियाज तो हम ऐसे भी भी कलेक्ट कर लेते हैं हैं विदाउट टूल्स हो जाते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट या एक कीवर्ड को फाइंड आउट करना कि वो विनिंग कीवर्ड है या नहीं या वो विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं मिसाल के तौर पर ये मैं गूगल से लेके आई हूँ कीवर्ड ठीक है मैंने कॉपी किया कॉपी वहां से किया यहाँ पे आके पेस्ट किया एंड देन उस कीवर्ड को फाइनलाइज करना एनालाइज करना फर्दर का आइदर ये कीवर्ड हमारे लिए एक विनिंग कीवर्ड है कि नहीं उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने ऊपर टॉप पे यानी कि जंगल स्काउट एंड हीलियम टेन को रन करके तमाम जो है ना वो क्राइटेरिया अः बारह के बारह या तेरह थर्टीन क्राइटेरियाज होते हैं उन उनके ऊपर मैच करना होता है कि आइदर ये कीवर्ड उस तमाम क्राइटेरिया पे मैच करता है कि नहीं अगर कर गया तो देन डेफिनेटली ये हमारे लिए कीवर्ड एक विनिंग कीवर्ड होगा Uh, जी ओमेरा हम इस तरह करेंगे कि ये तमाम क्वेरीज आपकी जो भी होंगी ना ये एट द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह ली जाएंगी और काइंडली आप अपने पास जो है ना वो uh, कॉपी पेंसिल रखा करें uh, और उस पर आप राइट कर लिया करें कि ये एट द एंड इंशाल्लाह तमाम क्वेरीज आपकी सॉल्व की साल uh, होंगी एक टेम्पो से हम चले होते हैं तो कोशिश यही होती है कि ये ना टेम्पो खराब ना हो इसी टेम्पो से हम चलते रहे हमारा कवर हो जाए तो इंशाल्लाह एट द एंड जो टाइम बचे वो हम क्वेरीज के लिए रखा करेंगे और स्पेशली मेरी कोशिश यही है कि एक जो मीटिंग है ना वो आपकी क्वेरीज के लिए कंडक्ट की जाए लास्ट वन नेक्स्ट देखें जी ऑनवर्ड हम मूव करते हैं आ, ये हम बात कर चुके हैं जी आ, हमने आ, ये अली से किस तरह प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया अभी ये देखिए इतनी ज्यादा कैटेगरीज हैं ठीक है मैंने एक कैटेगरी फाइंड आउट एक कैटेगरी पे क्लिक किया था एंड देन ये तमाम जो कैटेगरीज आई है ना ये तमाम कैटेगरीज ये देखें उनकी सब कैटेगरीज कितनी ज्यादा है तो इट्स मीन कि हम एक प्रोडक्ट के आइडियाज हम ये नहीं कह सकते हमें प्रोडक्ट के आइडियाज नहीं माइंड में आ रहे ये देखिए आपके सामने है नेक्स्ट ऑनवर्ड हम मूव करते हैं जी ये देखें अभी हम आए इस पे आ, हीलियम टेन पे अब हीलियम टेन जो है ना उस पे हम प्रोडक्ट के आइडियाज को किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे सबसे पहले मैं बात करती जाऊं ये हीलियम टेन का डैशबोर्ड है और ये देखें एक्सटेंशन जो है ना हीलियम टेन की वो ये है और वेब जो है ना वो ये है आपको नजर आ रही होगी मैं एरो के थ्रू आपको जो है ना स्क्रोल करके बता रही हूँ कि ये देखें ये जो है ना एक्सटेंशन है और ये होती है वेब ठीक है अब ये देखें वेब और एक्सटेंशन ये टूल आप जिससे भी बाय करेंगे ना वो आपको तमाम ये मैथोडोलॉजी से गाइड करते हैं कि इनको किस तरह से आपने लॉग इन करना है एंड देन ये किस तरह से आपके टॉप में मैंने इन, इन, इनको टॉप में कर लिया होता है जस्ट वन क्लिक से मैं डैशबोर्ड में आ जाती हूँ ठीक है अभी देखें जी आ, ये टूल प्रोवाइडर जो होंगे ना वो आपको कर देंगे आ, वो मतलब आपको तमाम सेटिंग जो है वो कर देते हैं अच्छा अभी ये देखिएगा मैं आपको बता बताना चाह रही थी कि हम प्रोडक्ट के आइडियाज जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले आपने जब हीलियम टन के डैशबोर्ड में आना है तो आपने क्या करना है ये देखें प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से एक इसका टूल और उसके सब टूल में चले जाना है जो कि ब्लैक बॉक्स के नाम से है ठीक है ब्लैक बॉक्स में ये काइंडली कंफर्म करें मेरी आवाज सबको क्लियर है जी क्लियर है ओके okay. अः आई थिंक सो ये लॉग दोबारा करना पड़ेगा तो